नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज, जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। जैसा कि हम जानते हैं और चर्चा हो रही है हर जगह सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर, सीमा हैदर जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की सरहदें पार की और उसके बाद इंडिया में दाखिल हो गई अपने प्यार सचिन के लिए। ऐसा ही एक और केस अब सामने आया जहाँ पर इंडिया की अंजू ने सरहदें पार कर पाकिस्तान में एंट्री ली और नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया। जी हाँ, अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी जिन्होंने गदर चार लिख दी। ये प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां पर पति और बच्चों के होने के बावजूद बार बार झूठ बोलती रही अंजू अपने परिवार से। यहां तक कि पाकिस्तान जाने के बाद भी उसने पति को ये तो बताया कि वो वीजा लगाकर पाकिस्तान के लाहौर में रह रही है, लेकिन यहां पर उसने ये भी कहा कि वो अपने दोस्त के निकाह में आई है और कुछ दिनों में वापस इंडिया भी लौट आएगी। उसके कागजों की पूरी छानबीन की गई। पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर पूछताछ की अंजू से और उसके कागजों की छानबीन की। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी यही जवाब आया कि अंजू किसी गलत तरीके से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुई, उसके कागजात पूरी तरह से पूरे हैं। ऐसे में उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे ही उसका वीजा पूरा होगा वो वापस इंडिया आ जाएगी। आपको बताते चले कि अंजू ने अपना जो वीजा लगाया है वो 2 या 4 दिन का नहीं बल्कि 90 दिनों का है, यानी कि 3 महीने तक वो पाकिस्तान में रहेगी नसरुल्ला के साथ। हाल फिलहाल में नसरुल्ला के साथ अंजू की एक प्री वेडिंग वीडियो सामने आई। ये देखिए वीडियो किस तरह से, इस वीडियो में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अब यहाँ पर निकाह नामा सामने आ गया। आपको बताते चले कि जैसे ही अंजू और नसरुल्ला के निकाह का करारनामा सामने आया, निकाहनामा सामने आया, तो इसके बाद खलबली मच गई और खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंजू और नसरुल्ला की निकाह के बाद बड़ा एक्शन ले लिया। क्या है वो एक्शन, तो बताते चले कि इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर आई जिसमें दावा किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है कि अंजू अब पाकिस्तान में ही रहेगी और वो वापस अब इंडिया नहीं लौट सकती क्योंकि उसने यहाँ पर गलत किया है। ऐसे में आपको बताते चले कि ये जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये खबर जब हमारे सामने आई तो हमने लिया फैसला सच जानने का और सच भी सामने आ गया। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है क्योंकि यहाँ पर नसरुल्ला और अंजू के केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही कोई स्टेटमेंट दिया। अभी तक सिर्फ नसरुल्ला और अंजू की निकाह का निकाहनामा सामने आया और उनके प्री वेडिंग की वीडियो जो हमने आपको दिखाई और साथ ही उस पाकिस्तानी ऑफिसर का एक स्टेटमेंट जो आप सुन सकते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं, डीटीओ ऑफिस में आमद पर आप लोगों का शुक्रिया। जो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है उसकी प्रीवीसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। हिस्ट्री इस पूरी एपिसोड का कुछ इस तरह है। ये बताइए, ये अपर दीर में कौन से इलाके में है? ये गलशो नामी एक गाँव है जो बिल्कुल अपर दीर के बिल्कुल करीब है, उसमें ये रिहाइश पजीर है नसरुल्ला नामी लड़का है। तो नसरुल्ला का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए और उसी नसरुल्ला की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है और लाहौर तक
उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्ला ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं, देर तक पहुँचे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक जो आप लोगों ने इंटरव्यू या तफ्तीश की है तो उस पर आई है और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्ला ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं, देर तक पहुँचे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक जो आप लोगों ने इंटरव्यू या तफ्तीश की है तो उसमें क्या सामने आई है? जो इंटरव्यू हमने उसका किया है उसमें ये है कि पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर हैं या मतलब इस तरह नहीं है कि कोई गलत रास्ते से आई हो, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है। जो दूसरी हम अपने चूँकि ये एक ऑपरेशन एरिया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो किया है तो वो बाकायदा बिल्कुल ठीक ठाक है और मतलब है इसमें कोई इस तरह एतराज़ वाली बात नहीं है। और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्ला के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्ला को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख से पहले पहले 21 अगस्त से पहले पहले बाकायदा ये यहाँ से रुख्सत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुख्सती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुख्सत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है। तो यहाँ के जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ द नसरुल्ला यहाँ के जो ख्वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बिल्कुल मुलाकात के लिए उसके पास आती जाती रहती है और इतने सारे गिफ्ट्स जो हैं वो इन्होंने बाकायदा वो अंजुनामी खातून को पेश किए हैं और पूरे इलाके में खुशी का एक समा बना हुआ है और सारे लोग यहाँ पर खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में मिसाली अमन है और इस अमन को मद्देनजर रखते हुए हम जो हमारे साथ थोड़ा भी प्यार कर लेते हैं हम उसका जवाब बहुत ज्यादा प्यार में दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो इससे तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से अंजू के खिलाफ यहाँ पर अंजू को लेकर कितनी सारी बातें सामने आई, तो वहीं पाकिस्तान गई अंजू ने फातिमा बनकर नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया, ये बाइट भी सामने आई है। देखिए और इसी के बाद आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एमपी गया प्रसाद से सामने आई है अंजू के पिता की एक स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने क्या कुछ अपनी बेटी के लिए कहा, सुनिए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इस्लाम कबूल किए करने की बात आ रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। उस लड़के से वो कुछ भी करे। पहली शादी उसकी कब हुई थी? उसकी 18-19 साल पहले हुई है, शायद 2004-5 में। तब से आपके यहाँ नहीं आती? नहीं, आना जाना तो मतलब बाप बेटी का होता रहता है, माई के आना पर इतना नज़दीकी नहीं है जैसे, और बच्चों के साथ है आना जाना तो हम लोग 500 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, वो 500 तो साल में या कोई शादी वगैरह होता तो आता जाता, बाकी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम जाके महीने में खड़े रहे वहाँ। ऐसा पिछली बार वैसा आपकी बात कब से नहीं हुई थी बेटी? मुझे कम से कम अंदाज है मेरे से एक एक साल हो जाता है और बातचीत होती तो उनकी माँ बेटी की बातचीत होता रहता है, मैं बात नहीं करता। इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है जैसे कि आज अभी जानकारी? नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहे, मुझे कोई पता नहीं था। अब जब उसने पाकिस्तान में अपने बिहार अचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी के लिए? इसके मामले में क्या कहेंगे, जो जो लड़की घर से बाहर चले गया एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। जो घर से पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था? वो धर्म की बात कहाँ से आ गई है? नहीं, उस समय नहीं नहीं, धर्म की बात कहाँ से आ गई आप ही बताइए। शादी माने शादी जी, इसको मतलब है डी आप, सॉरी। थैंक यू सर। सर सर एक मिनट। हाँ सर, आपकी बेटी पाकिस्तान गई है, क्या मामला है, आपको जानकारी है इसकी? मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है सर। क्या जानकारी है आपको?
मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, कहाँ मेरा मैरिज कोई की? उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी, टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाते ही नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो आपसे कब सन से की टाइप की बात, लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू, अंजू। हाँ, इसकी परवरिश कहाँ हुई है? आप परवरिश उसकी ज़्यादातर मामा के यहाँ रही है बचपन से, 3 साल की थी जब इसे जो है उन्हीं लोगों ने परवरिश किया है उसका, मामा कहाँ रहते हैं इसके? वो डिस्ट्रिक्ट जालौन में, यूपी में। आपको क्या पता पड़ा ये पाकिस्तान कहाँ चली गई है? मुझे तो कल पता चला है ना, क्या क्या पता चला है? ये पता चला कि ऐसे चले गए, किसी को बताया नहीं, बिना बताए चले गए, ये गलत है। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन है उसके? उसके 2 बच्चे हैं उसके। बच्चों हाँ, को लेके गई है साथ या छोड़ के गई है? बच्चों को लेके नहीं गई, बच्चे तो उसके पापा के पास है। पाकिस्तान जाने के बाद कोई संपर्क हुआ है बेटी से? क्या कहना है उसका वहां नहीं, से? मेरा कोई संपर्क नहीं उसके हुआ, ससुराल वालों का कोई संपर्क हुआ हो? उनका हुआ संपर्क हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उनको फोन भी नहीं किया। ससुराल वालों का फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया, आप अपनी बेटी के लिए कुछ कहना मेरी खुद चाहेंगे? की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटी है, एक बेटा है। ये किस नंबर कब की? कब गई है ये अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है, सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है, और किसको नहीं, पहुंची? मुझे अच्छा, मालूम नहीं है सब। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अंजू के पिता के साथ साथ यहाँ पर जो बयान सामने आया है वो है, फाइनली यहाँ पर मुश्ताक खान का, जो कि डीपीओ है और पाकिस्तान के डीपीओ के पोस्ट पर नजर आते हैं, जिन्होंने क्या कुछ अंजू को लेकर कहा, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या कहा, ये भी सामने आई सच्चाई। और इसी के साथ पाकिस्तान गई अंजू, किस तरह से फातिमा बन गई, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया। कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया। तो देखा आपने ये आज की खास रिपोर्ट अंजू और नसरुल्ला को लेकर, कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।